दोस्तों, कपूर का इस्तेमाल आप अधिकतर पूजा में करते होंगे, लेकिन ये आपके लिए भी कितना लाभकारी होता है इसकी जानकारी आपको शायद ही होगी। कपूर त्वचा और बालों के लिए भी काफ़ी हेल्दी होता है। आयुर्वेद के अनुसार कपूर को जलाने से शरीर और दिमाग को शांति मिलती है। इसके अलावा कपूर का इस्तेमाल आपके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं किस तरह से आप कपूर से खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी त्वचा पर रेशेज हो गए हैं या त्वचा पर खुजली हो रही है, तो कपूर के निकाले गए एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करें। रोम छिद्रों के जरिए आपकी त्वचा इसे सोख लेती है और खुजली से राहत मिलती है। 1 कप नारियल के तेल में 1 चम्मच पिसा हुआ कपूर मिलाकर लगाने से भी आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, मुहांसे बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी समस्या होती है। कपूर आपकी त्वचा के रोम छिद्रों को टाइट करता है और आपकी त्वचा में फिर से जान डालता है। इसके अलावा कपूर आपकी त्वचा में बैक्टीरिया को जमने नहीं देता, जिससे मुहासों की समस्या कम होती है। इसके टी ट्री ऑयल और कपूर के एसेंशियल ऑयल को मिलाकर रुई की मदद से मुहासों पर लगाएं। अगर आपकी त्वचा हल्की जल गई है, तो कपूर ना केवल इसकी जलन को कम करता है, बल्कि घावों को भी ठीक करता है। पानी में कपूर मिलाकर इसे प्रभावित हिस्से पर दिन में 1 बार लगाएं। कपूर बालों के झड़ने, रूसी का इलाज करने और बालों को मजबूती करने में भी मदद करता है। कपूर को पीस कर नारियल तेल से मिलाकर मालिश करने से बाल स्वस्थ होते हैं और बालों का विकास भी अच्छे से हो जाता है और आपके बाल मजबूत और घने होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कपूर के फ़ायदे। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए रेमेडी अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।